अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मुलजिम को ये सहूलत हासिल है कि अदालत के अंदर उसके खिलाफ अगर केस चल रहा है ट्रायल पे तो वो हर पेशी पे ना आए, वो एक एप्लीकेशन के ज़रिए या उसको मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि उसको डिस्पेंस विद अटेंडेंस कर दे, यानी उस मुलजम को ना आना पड़े, उसकी जगह सिर्फ वकील ही पेशी भुगतता रहे और मुलजम अगर मसरूफ़ है बीमार है घर बैठकर वो पेशी अटेंड कर सकता है, यानी घर बैठा रहे तो वो कोर्ट उसको जाने की ज़रूरत ना हो। जी हाँ, ये सेक्शन 205 CRPC उसमें मजिस्ट्रेट को जो है ये पावर दी गई है कि अगर कोई मुलजम वो उसको डिस्पेंस विद करना चाहे फ्रॉम द पर्सनल अटेंडेंस इन द कोर्ट एज एन अक्यूज्ड तो उसको पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। अब ये है कि इसकी एप्लीकेशन मुलजिम का काउंसल वो ये सबमिट करा दे और उसके ज़रिए से जो है वो मुलजिम को डिस्पेंस विद करा सकता है। अगर उसने मजबूत ग्राउंड हो जैसे बूढ़ा है, यानी अगर अबाव 60 ईयर्स एज उसकी है और वो कमज़ोर है बूढ़ा है वो अदालत में नहीं आ सकता तो ये आला अदालतों के ग्राउंड है कि उसको डिस्पेंस विद किया जा सकता है। इस तरह औरत है, औरत के लिए भी स्पेशल है कि वो भी अगर औरत हाजिर नहीं हो सकती, मुलजमा है उसके खिलाफ FIR है केस चल रहा है तो वो एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी हाजिरी को डिस्पेंस विद करा सकती है, उसको हर पेशी पर बतौर मुलजमा नहीं आना पड़ेगा, घर बैठकर बजरिया वकील वो अपने केस को प्रोसीड कर सकती है। इसी तरह आदमी बीमार है, किसी की टांग टूट गई है, वो बेचारा मुलजम भी है और टांग भी टूटी हुई है तो उसको हर केस पे आना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने यहाँ देखा है वो लोग अक्सर उनको बताते नहीं है तो वो टूटी हुई टांग वाले आदमी को यहाँ लेकर आ जाते हैं कि जी ये मुलजम है, वो पेश हो रहा होता है, वो बिसाखियों पे चल रहा होता है लेकिन उसको यहाँ पेश होना पड़ता है। तो मेरे भाई, जब कानून के अंदर प्रोविजन ये मौजूद है 205 CRPC सेक्शन के तहत कि मुलजम को डिस्पेंस विद किया जा सकता है, उसको हाजिरी माफी दी जा सकती है, तो फिर आप हम हा के लिए कोर्ट में क्यों पेश हों? कानून आपको रियायत देता है तो उस रियायत को आप लें। हाँ, एक दफा अगर आप एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है तो आपके पास रेमेडी है, आप रिवीजन फाइल करके उसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी अगर आपकी डिसमिस हो जाती है तो हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल सकता है। आपके पास ग्राउंड मजबूत होने चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं जैसे कोई आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं या कोई और ऐसी मसरूफियत, जैसे डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो दिन को उनकी ड्यूटी है वो अटेंड नहीं कर सकते, तो चाहे वो एक्यूज हों तो वो डिस्पेंस विद की एप्लीकेशन जो है वो लगाकर अपने आप हाजिरी को वो माफ़ करा सकते हैं और सिर्फ चार्ज फ्रेम होने तक, जब चार्ज फ्रेम होगा उस वक्त हाजिरी होना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर किसी डेट पे हाजिरी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जब शहादत हो जाए उसके बाद अगर उसका 342 की स्टेटमेंट के लिए आना पड़ेगा और फिर एक दफ़ा जब फाइनल जजमेंट डिनाउंस होगी तो फिर उसको कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, वरना उसको आम डेट्स पर आने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू हैव आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।